बुलंदशहर के खुर्जा में एक मीट फैक्ट्री में जब जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर 11 से 12 साल के बच्चों से भी मजदूरी करवाई जा रही थी। देखिए, सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद सीएम योगी का हंटर सबसे पहले यूपी में संचालित अवैध बूचड़खानों पर चला था और उसका असर ये हुआ कि यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद करा दिए गए। लेकिन बुलंदशहर के खुर्जा स्थित लहम एक्सपोर्ट मीट फैक्ट्री से जो खबर सामने आई है, उसने कई प्रशासनिक अधिकारियों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल जिलाधिकारी को लगातार इस मीट फैक्ट्री के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने खुर्जा के किसी भी अधिकारी को जानकारी दिए बिना खुर्जा की इस मीट फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में जो खामियां सामने आई उसे देखकर खुद जिलाधिकारी भी हैरान रह गए। यहाँ नाबालिग बच्चों से जहाँ बाल मजदूरी कराई जा रही थी, तो वहीं तमाम मानकों को ताक पर रखकर कंपनी प्रबंधन अपनी मनमानी पर लगा था। कितने रुपए मिलते हैं आपको यहाँ काम करने? 6,000 रुपए। कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। से घर वाले नहीं मना करते काम करने की? मजबूर में करना पड़ा। कब से यहाँ काम करते हैं आप? हमें तो ऐसा हो गया, 6-7 महीने से हो गए। यहाँ बच्चे भी काम करते हैं? कौन से काम पे लगाया गया? नहीं, बच्चे तो काम नहीं करते हैं, बच्चे ये जो अपने तनख लड़कियों को लेके हम आ जाते हैं अपना। हाँ। देखो गरीबाई के उससे। हाँ। क्या करें, महंगाई का जमाना। तो कितने रुपए देते हैं बच्चों को? बच्चों को भी 6,000 मिलते हैं और हमें भी 6,000 मिलते हैं। कितने घंटे काम कराया जाता है यहाँ बच्चों? घंटे कराया जाता है 9 बजे से 9 बजे तक की भी ड्यूटी है, वो थोड़ा बहुत फालतू हो जाता तो 11 बज जाते हैं। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में रेड करने पहुंचे डीएम ने जब फैक्ट्री में लगा गंदगी का अंबार देखा तो उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर का जो होता है वो 14 साल से कम को चाइल्ड बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, वो कई तरह का कैटेगरी है। उसमें उन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह देख करके इसके बाद ही पूरी तरह से बताया जा सकता है कौन चाइल्ड है नहीं है, और यदि मिलते हैं तो बिल्कुल संबंधित धाराओं में उस पर कार्रवाई की। साथ ही डीएम ने बाल श्रम इंस्पेक्टर समेत सभी संबंधित अधिकारियों से फैक्ट्री के खिलाफ रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल डीएम के इस रेड के बाद लहम एक्सपोर्ट मीट फैक्ट्री पर कड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। कई लोगों से शिकायत कुछ प्राप्त हुई थी, कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी, जनमानस द्वारा शिकायत भी की गई थी, कुछ कुछ लोगों द्वारा बताया गया था, तो उस चीज को देखवाने के लिए स्वयं औचक निरीक्षण किया गया। तो अब किस तरह की जब खामी पाई गई है तो इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे इसमें, जो क्योंकि ये ऐसा चीज है कि इसमें जितनी भी चीजें हैं बहुत कमियां पाई गई हैं, व्यापक स्तर पे कमियां पाई गई, इसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। तो इसमें कार्रवाई के लिए नोटिस दिया जाएगा, फिर देखिए। जिला अधिकारी की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए इस मीट फैक्ट्री को नोटिस दिया गया है, जबकि जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है जिलाधिकारी की इस कार्रवाई के बाद इस मीट फैक्ट्री पर कड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक और सहयोगी दानिश गफ्फार के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।